तो हेलो दोस्तों, MIUI 10 का वीकली अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जिसका वर्सन आपको मिल जाता है 9.3.7। तो दोस्तों, यह अपडेट है जो अभी केवल नाइटली यूज़र को ही मिला है, और यह अपडेट है जो आपको कल तक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं रेडमी 4 यूज़ कर रहा हूँ और इसमें MIUI 10 का लेटेस्ट अपडेट 9.3.7 इंस्टॉल्ड है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें आपको क्या क्या नई फीचर मिल जाते हैं और क्या क्या बग है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यह विजन नाइटली स्टेज में है, और दोस्तों यह पब्लिकली कल रिलीज हो जाएगा सारे यूज़र के लिए। तो वाटनिंग में तो आपको हमेशा की तरह वही देखने को मिलेगा, ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस और इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। तो दोस्तों, मुझे कुछ नया देखने को इस अपडेट में मिला है। मैंने नाइटली अपडेट का वीडियो बनाया था, तो उसमें भी मैंने इसको बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिस्प्ले साइज़ का एक न्यू ऑप्शन देखने को मिला है। हो सकता है दोस्तों कि यह मतलब पिछले अपडेट में ही आ गया होगा, लेकिन मुझे जो नाइटली अपडेट जो आया था उसमें देखने को मिला था यह। तो पता नहीं दोस्तों, यह पुराना भी हो सकता है, और मुझे मैं इसको पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था तो मुझे पता नहीं चला। और दोस्तों, जो एक बग था उसको अभी तक फिक्स नहीं किया गया है, लिंक वाला बग था दोस्तों, फिर से वही बग है जो फेस करने को मिल रहा है सारे यूज़र को। और दोस्तों, इस अपडेट में तो मुझे कुछ न्यू चीज़ देखने को नहीं मिला है, और हो सकता है कि रेडमी नोट 5 प्रो, नोट 6 प्रो, इन सारे डिवाइस में हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन नोट 6 प्रो में इस बार हो सकता है कि अपडेट है जो सस्पेंड हो जाए, क्योंकि नाइटली अपडेट नोट 6 प्रो को देखने को नहीं मिला था 9.3.4 का दोस्तों। तो हो सकता है नोट 6 प्रो को इस बार अपडेट नहीं मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।